हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं घर में। आज का टॉपिक है कंडीशनर्स। मैं आपको ऐसी चार चीज़ें बताऊँगी जो आपके बालों को शाइन भी दे, कंडीशन भी करे और स्काल्प से डर्ट डस्ट भी निकाले और जो इचीनेस है वो भी निकाले और आपके बाल एकदम शाइनी और बाउंसी हो जाएं। तो आइए देखते हैं ऐसे क्या करना है हमें। मैंने अपने बालों के हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपके बाल ज़्यादा बड़े हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच दूध निकाला है, कच्चा दूध। कच्चा दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे स्काल्प को नरिश करता है, उसमें से डर्ट डस्ट निकालता है। और अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हो बालों पे तो ये आपके बालों को स्ट्रेट भी बनाता है, एक नेचुरल स्ट्रेटनर है ये। इसके साथ मैंने ले लिया है दही। दही यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ली है। दही में भी लैक्टिक एसिड होता है, नरिश करता है आपके बालों को और जो इचीनेस है, डैंड्रफ है, ड्राई हेयर से उसको निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मैंने ले लिया है हनी। यहाँ पे मैं डाबर हनी यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड की हनी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डाबर हनी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डाल दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। हनी एक नेचुरल कंडीशनर है, मॉइस्चराइज़र भी है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, उसी तरह से आपके बालों को कंडीशन भी करता है। अगर आपने सिर्फ हनी लगा लिया आपके बालों में तो आपको और कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये आपके बालों को बाउंसी और शाइनी बना देता है। और इसके साथ मैंने ले लिया है लास्ट इंग्रेडिएंट, हाफ लेमन। लेमन एक सिट्रिक एसिड है और ये एक सिट्रिक फ्रूट है, वाइटामिन सी से भरा हुआ है। ये आपके बालों से डैंड्रफ इचीनेस को हटाता है। इनकेस आपके पास ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ लेमन है, तो लेमन भी लगा सकते हो। शैम्पू में थोड़ा सा अगर आपने लेमन भी मिला लिया तो आपके बालों में जो डैंड्रफ और इचीनेस है वो निकालने में हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने कच्चा दूध ले लिया है। इसके साथ मेरे बाल छोटे हैं तो मैंने 4 चम्मच कच्चे दूध ले लिया है, 2 चम्मच दही, 1 हनी डाल दूंगी। हाफ में से आपको 4 से 5 ड्रॉप्स लेमन जूस के डालने हैं। बस आप इसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से, ताकि ये सारा जो फॉर्म है ब्लेंड हो जाए अच्छी तरह से। ये देखिए अच्छी तरह से ये मिक्सअप हो गया है। अब आप इसको लगाओगे कैसे? आपके बालों को आप कंघी से कोम कर दीजिए अच्छी तरह से। ये बिल्कुल ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा। अच्छी तरह से कोम करोगे तो आपके बाल अच्छी तरह से सुलझ जाएंगे। सुलझ जाने के बाद आप इसको बालों में अच्छी तरह से इसको लगाएं। लगाने का तरीका क्या है, आपको अपनी फिंगर्स से बस इसको अच्छी तरह से मसाज करना है, जैसे आप एक ऑयल को मसाज करते हो अपने बालों से। तो स्काल्प पे भी मसाज कीजिए, फिर लेंथ पे मसाज कीजिए। पहले स्काल्प पे लगाइए, फिर ही लेंथ पे लगाइए। अच्छी तरह से इसको लगाकर इसको 1 घंटा रख दीजिए। 1 घंटा रखने के बाद इसको आप एक माइल्ड जेंटल नेचुरल शैम्पू से धो लीजिए। केमिकल का शैम्पू ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। तो इससे क्या है, बाल आपके ख़राब नहीं होंगे। एक माइल्ड शैम्पू ले सकते हैं कोई भी ब्रांड का, आप मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप कौन सा परचेज़ कीजिए। अगर आपको शैम्पू की रेसिपी चाहिए तो वो भी मुझे बता दीजिए, मैं आपको नेचुरल शैम्पू कैसे बनाते हैं घर पे वो भी आपको सिखा दूँगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा, एक घंटे के बाद शैम्पू लगाएंगे तो आपके बाल एकदम स्ट्रेट बाउंसी शाइनी हो जाएंगे। आपकी जो डर्ट डस्ट है, इच्ची ऐसे डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो सब रिमूव हो जाएगा। सो आप इसको हफ्ते में 2 बारी भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपको शैम्पू करना और शैम्पू के बाद कोई कंडीशनर नहीं लगाना, क्योंकि ये नेचुरल कंडीशनर्स हैं आपके बालों के लिए। ठीक है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।